गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भुवन पूछ रहा है सर आज ब्लर क्यों नहीं कर रखा है बैकग्राउंड, नहीं किया ऐसा ही तो न्यू एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नहीं हेडफोन यूज नहीं करेंगे, हेडफोन को यूज के बिना देखो जरा आवाज कितनी अच्छी आ रही है। वीडियो ब्लर कहाँ है, वीडियो ब्लर नहीं किया गया। मस्त आ रहा है साउंड देखो, ये एक ही स्टूडेंट है जिसको तो बार बार बोल रहा है कि सर हेडफोन यूज कर ले। शानदार आवाज आ रही है आज तो, वॉइस क्लियर है एकदम। सभी लिख रहे हैं टनाटन आवाज, ये टनाटन कौन सी आवाज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मधुर आ रही है बहुत बढ़िया। ऑफलाइन क्लास का अभी कोई आइडिया नहीं बट ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी, अभी तो देखो क्या होता है। लॉकडाउन का भी कुछ पता नहीं है, ऑफलाइन क्लास का भी कोई आइडिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, इन चीजों पर ध्यान मत दो, ठीक है ना।
जब खुलेगी क्लास ऑफलाइन होगी, जब ऑफलाइन हो जाएगी तब तक ऑनलाइन चलेगी, ऑनलाइन रहेगी। कोटा में अनलॉक अभी हमने थोड़ा सा उन्होंने खोला है आज, आज से कुछ मार्केट मतलब मार्केट खुलेगा लेकिन कुछ टाइम तक ही है। चलिए अब मुझे लग रहा है सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ 11 बजे तक खुलेगा, सब पता तुम लोगों को, सब जानते हो। स्क्रीन आ गई आपके, स्क्रीन दिख रही है, केमिकल बॉन्डिंग लिखा हुआ है स्लाइड पर, वो नजर आ रहा है, और मेरी आवाज आ रही है और मेरा वीडियो दिख रहा है। ये लो, वीरेश्वर जी ने तो देख लिया कि सर आपके पास मेल ईमेल भी पड़े हुए हैं, ये हो रहा है वो। अरे यार ये देखो ना, केमिकल बॉन्डिंग देखो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। आज से हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड जो है आयंस के बीच का बॉन्ड, जरा समझना है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। मैंने आपको जैसा कि जब हमने स्टार्ट किया था क्लास, ये केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग जब से स्टार्ट किया हमने, तो मैंने आपको ये बताया कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं ना केमिकल बॉन्डिंग पर, वो बनते हैं एक तो कोवेलेंट बॉन्ड से और दूसरा बनता है आयोनिक बॉन्ड से। और कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड में भी जो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर कई सारी चीजें या कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे वैलेंसी, ठीक है ना, और हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर कौन सा आइसो स्ट्रक्चर है, किनकी स्ट्रक्चर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ज्योमेट्री कौन सी होगी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, ये सब चीजें किसमें आती है हमारी कोवेलेंट, वीबीटी है, एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये सब चीजें इसमें आती है अपने कोवेलेंट बॉन्ड क्या, और कोवेलेंट बॉन्ड में ही वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाता है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखें, और उसके बाद आता है हम आयनिक बॉन्ड पर। चलिए अब हम आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मीन्स आयंस के बीच का बॉन्ड, ऐसा समझना, आयनिक बॉन्ड मीन्स आयंस के बीच का बॉन्ड। आयंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। केटायन और एनायन के बीच का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, वही क्या है आयनिक बॉन्ड। अब जरा एक बात समझना, ये सब चीजें लिखी है, जैसे मान लीजिए एक चाहिए अपने को केटायन और एक चाहिए आपको एनायन, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। केटायन कौन बनाएगा ये बताओ जरा मुझे, मेटल या नॉन मेटल, केटायन कौन बनाएगा, मेटल या नॉन मेटल, यस वेरी गुड मेटल। और एनायन कौन बनाएगा, नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल मिलकर के आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये समझ में आ गया आपको। देखो केटाइन और एनाइन होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा एक बात हो, आयनिक बॉन्ड जब हम शो करते हैं ना, ये आयनिक बॉन्ड हम दिखाते हैं, तो उसमें कोई लाइन नहीं बनाते, जो लाइन आप कोवेलेंट बॉन्ड में शो करते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड लिखता हूं यहां पर H2O, तो HO के बीच में ऐसे एक लाइन दिखाते हैं आप, H2O में से लाइन दिखाते हैं, तो ये H2O के बीच की जो लाइन है ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं कंपाउंड लिखता हूं NaCl, ये NaCl लिखा, Na और Cl के बीच में कोई लाइन नहीं है, सिर्फ NaCl लिखा, इसका मतलब एक केटायन और एक एनायन, ये बॉन्ड कौन सा, आयनिक बॉन्ड, या प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, यही क्या हो गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाते समय, शो करते समय लाइन नहीं बनाते, ठीक है ना, वो जो लाइन बनती है ना एज ए डैश या कोऑर्डिनेट, वो एरो, वो किसमें होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट। तो वापस आते हैं हम यहां पर कि जो आयनिक बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक तो है केटायन और एक होगा एनायन,
केटाइन कौन बनाएगा, मेटल, एनायन कौन बनाएगा, नॉन मेटल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल है, या एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो आयोनिक बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल की रिलेशन बनेगा आयोनिक बॉन्ड। अब एक बात सुनना जरा, जब दो नॉन मेटल मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि नॉन मेटल और जो दूसरा जिसके बीच में बॉन्ड बनता है वो भी नॉन मेटल है, तो ये जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो कौन सा बॉन्ड होगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो आयोनिक बॉन्ड। अब यहां एक बात सुनना जरा, एक नॉन मेटल है और दूसरा भी नॉन मेटल है, पर आप बोल रहे हो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड, तो ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल है तो ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड हो जरूरी नहीं है। एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर के अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड हो जरूरी नहीं है। हाँ, आयोनिक बॉन्ड अगर बनना है तो एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। बाबा सुनना क्या बोला मैंने, एक नॉन मेटल और दूसरा भी नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड ऑलवेज कोवेलेंट। क्या बोला मैंने, नॉन मेटल, जैसे मैं बोलूं आपसे एच हाइड्रोजन बताना जरा, हाइड्रोजन जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है नॉन मेटल, क्या है हाइड्रोजन नॉन मेटल, ठीक है ना। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन मेटल या नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो H और Cl के बीच का बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। चलिए मुझे बताना, सल्फर, सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल, सल्फर कैसा है नॉन मेटल, तो और फ्लोरीन, फ्लोरीन ये नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, सल्फर और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा ना वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जैसे कि SF2 SF4 SF6 सबके सब कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। मीनिंग ये हुआ कि एक नॉन मेटल है दूसरा भी नॉन मेटल है तो कंपाउंड जो बन रहा है, जो बॉन्ड उनके बीच में बन रहा है वो कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट। लेकिन एक मेटल और अगर एक नॉन मेटल है, एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है, मैं भी आयनिक और कोवेलेंट। मैक्सिमम टाइम पर वो आयनिक होता है पर कभी कभी वो कोवेलेंट हो जाता है, और वो कभी कभी तब कोवेलेंट हो जाए, एक मेटल एक नॉन मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया केटाइन बनाया, एनायन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया एनायन बना, सॉरी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनायन बनाया, और फिर भी उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा, वो कोवेलेंट। ये कब हो जाएगा, इसका एक रीजन होता है, वो है पोलराइजेशन। अब वो पोलराइजेशन क्या है, उनकी क्या कंडीशन होती है, इनको हम बाद में देखें। फिलहाल मैंने जो बोली लाइन वो ध्यान रखना कि एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो दोनों के बीच में ऑलवेज आयनिक बॉन्ड बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम पर आयनिक होता है, कोवेलेंट कब होता है वो आगे बता देंगे। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, AlCl3, क्या बोला मैंने, AlCl3 एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम, बताना जरा मेटल है कि नॉन मेटल है, AlCl3 एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं, मेटल है कि नॉन मेटल, मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, नॉन मेटल लिख रहा है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम होता है। चलिए क्लोरीन, मेटल ही नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। अब मैंने कंपाउंड बना दिया एल्यूमिनियम क्लोरीन को मिलाकर के AlCl3, एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है AlCl3, जबकि AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आप इसमें हाइब्रिडेशन बाइंड करते हैं, इसकी वैलेंस से निकालते हैं, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ट्राइगोनल न्यूक्लियर शेप होती है। चलिए एक बात बताना जरा मुझे, एल्यूमिनियम मेटल है, फ्लोरीन बताना जरा, फ्लोरीन, फ्लोरीन मेटल है कि नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल।
अब मैं एल्यूमिनियम और फ्लोरीन से मिलकर कंपाउंड बनाता हूं, वो है AlF3, और AlF3 इज एन आयोनिक कंपाउंड। AlF3 कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। तो AlF3 तो है आयोनिक कंपाउंड और AlCl3 है कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब ये कब कैसे पता चलेगा कि हमको कब कोवेलेंट बन जाएगा और कब आयोनिक बन जाएगा, ये अभी उसके उसमें टाइम लगेगा, ये समझने में अभी तुमको टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं तो वापस अपनी बात पर आता हूं, यहां आता हूं कि हम बात कर रहे हैं कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो तो कंपाउंड कैसा बनता है? आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। चलिए, अब जो आयोनिक कंपाउंड बनता है तो जो मेटल है वो जनरली एस ब्लॉक की मेटल्स होती है, और नॉन मेटल तो आते ही पी ब्लॉक में, केवल एक हाइड्रोजन जो अलग है, बाकी सब पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो बॉन्ड जो है कैसा बनेगा? आयोनिक। और आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए जो मेटल होना चाहिए वो मेटल कौन से ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का होगा। अब ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा ई एन का डिफरेंस होगा तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जितना ज्यादा ई एन का डिफरेंस होगा उसमें आयोनिक करेक्टर आने के चांसेस ज्यादा होंगे या आयोनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होना चाहिए? ई एन डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा ई एन डिफरेंस होगा ना तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, आयनिक करेक्टर ज्यादा आएंगे, मतलब हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा है। अब मुझे बात बताना, लेफ्ट टू राइट जाने पर ई एन, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होती है। चलिए अब मुझे बताना जरा, जो सबसे लेफ्ट साइड आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, वो उसकी ई एन मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आ रहा है मिनिमम, हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ई एन बढ़ती है, तो जो सबसे पहले आया उसकी ई एन मिनिमम, तो इसका मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा उसकी ई एन मैक्सिमम। तो मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए का सबसे पहले वाला, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है वो होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले पता है आपको कौन सा ब्लॉक आता है? एस ब्लॉक या पी ब्लॉक? सबसे पहला वाला ब्लॉक एस ब्लॉक, और सबसे लास्ट में कौन सा ब्लॉक आता है पीरियोडिकल की बात करूं तो पी ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब मेटल हो एस ब्लॉक का और नॉन मेटल हो पी ब्लॉक का। नॉन मेटल तो आते ही पी ब्लॉक में है, तो मेटल कौन से ब्लॉक का होना चाहिए? एस ब्लॉक का। तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जब आप आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल देखते हैं, इसके आयनिक कंपाउंड के जो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं वो मैक्सिमम उसमें जो मेटल है वो एस ब्लॉक का होता है। मैक्सिमम कौन सा होता है? वो एस ब्लॉक का। अरे बट AlF3 तो पी ब्लॉक का है, तो मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कि एस ब्लॉक का ही हो। मैंने बोला कि मैक्सिमम टाइम पर जब आयनिक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जो मर्जी आए देख लो आप, मैक्सिमम आपको एस ब्लॉक का। इसलिए जनरली वर्ड इसलिए लिखा मैंने, ये थोड़ी कहा एस ब्लॉक का ही होगा। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो मेटल होता है ना वो जनरली कौन से ब्लॉक का होता है? एस ब्लॉक का होता है। एस ब्लॉक में भी लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये तीन मेटल ऐसे हैं, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिनको छोड़कर बाकी के एस ब्लॉक मेटल P ब्लॉक के एलिमेंट के साथ या P ब्लॉक के नॉन मेटल के साथ या जो लोग नॉन मेटल के साथ मिलकर के आयोनिक बॉन्डिंग बनाए, सही ना, क्या बनाएंगे? आयनिक। अब वापस सुनना क्या बोला मैंने, वापस स्टार्टिंग से यहां से आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक मेटल और एक क्या होगा? नॉन मेटल होगा। एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल कौन से ब्लॉक का हो? एस ब्लॉक का। जनरली एस ब्लॉक का चलेगा, कुछ एक जैसे एल्यूमिनियम भी आएगा, ठीक ना, तो एस ब्लॉक का मेटल होना चाहिए। और नॉन मेटल तो आपको पता है पी ब्लॉक में मिलेगा, इसका मतलब एस ब्लॉक का मेटल हो और नॉन मेटल मिल जाए तो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? आयनिक। लेकिन एस ब्लॉक में भी ये ध्यान रखें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए। ये जो
लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम होते हैं ना, इनके कंपाउंड जनरली फिर जनरली वर्ड यूज किया जाता है, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम की जो कंपाउंड है जनरली कोवेलेंट होते हैं। अब सुनना जरा, मैंने क्या बोला कि एक मेटल एक नॉन मेटल होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल होता है एस ब्लॉक का, नॉन मेटल होता है पी ब्लॉक का। नॉन मेटल में चक्कर ही नहीं ब्लॉक का। मेटल जो एस ब्लॉक का है वो उसमें लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दें तो बाकी कोई भी एस ब्लॉक का मेटल, इनके अलावा कोई भी एस ब्लॉक का मेटल आपको बस बचा, इनको छोड़ देना, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम इनको छोड़कर जो भी एस ब्लॉक का मेटल बचा अगर आपने उसके साथ नॉन मेटल लगा दिया तो कंपाउंड ऑलवेज आयनिक है। क्या बोला मैंने, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट भी होते हैं, कुछ कंपाउंड आयनिक भी होते हैं। यानी कि ये लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों तरह के कंपाउंड बनाता है। जनरली तो ये बनाते हैं कोवेलेंट, लेकिन इनके कुछ कंपाउंड आयनिक और कोवेलेंट दोनों तरह के बनाते हैं। लेकिन इन तीनों मेटल को अगर छोड़ दें, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम को, इसके अलावा कोई भी एस ब्लॉक का मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो ऑलवेज आयनिक बॉन्ड बनेगा। लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड कोवेलेंट भी है, कुछ कंपाउंड आयनिक भी है। जनरली ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम। क्यों कोवेलेंट बनाते हैं, इसका रीजन भी वही है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन पढ़ लेने के बाद ये पूरा कंप्लीट होगी लाइन है, जो मैं लाइन अभी बोल रहा हूँ। पोलराइजेशन पढ़ने के बाद सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ, ये कोवेलेंट होते हैं, ये आयनिक होते हैं। फिलहाल जितनी बातें बताई गई उतनी बातें याद करते जाना। डी ब्लॉक का मेटल अगर होगा तो उसमें कोवेलेंट नेचर भी होगी और आयनिक नेचर भी होगी। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड बना सकता है, तो एस ब्लॉक के ही मैक्सिमम आयनिक बनाते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक का मेटल लेंगे और उधर से पी ब्लॉक का नॉन मेटल लेंगे तो ई एन का डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, और ई एन का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड बनने के, आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। चलिए फिलहाल अब यहाँ आते हैं, ये सब आपने जो मैंने बातें बोली यहाँ लिखी हुई है सारी की सारी, कि ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम तो बन गया प्लस टू आयन और ऑक्सीजन बन गया माइनस टू आयन। तो ये जो MgO बना ये कैसा कंपाउंड बन गया, आयोनिक कंपाउंड। देखो मैंने भी कहा था मैग्नीशियम के कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, कोवेलेंट, लेकिन कुछ आयनिक भी होते हैं, तो MgO एक आयोनिक कंपाउंड है। अभी बताओ मैं आगे कि कब आपको पता चलेगा, फिलहाल आप देखो कि कैसे बन रहे हैं ये सब। कैल्शियम क्लोराइड लिया, कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, दो क्लोरीन है, CaCl2 बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन गेन और करना और लूज करना, इसी से बनता है आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl, सिंपल सा एग्जांपल, NaCl, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, बन गया कंपाउंड आयनिक कंपाउंड NaCl। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि क्या प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, हार्ड होते हैं या जो बोलूं सॉलिड होते हैं। हार्ड के बजाय इसको सॉलिड लिखे तो ज्यादा सही, क्योंकि तो हार्ड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl आप जानते हैं, ठीक है ना, तो इनका रीजन क्या है कि सॉलिड क्यों है, हार्ड क्यों है, क्योंकि तो केटाइन और एनाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हाँ, रॉक सॉल्ट जो होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि आपने एग्जांपल है NaCl, तो Na पर चार्ज होता है प्लस और Cl पर चार्ज होता है माइनस, तो यहाँ केटाइन और एनाइन का अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये मीनिंग हुआ कि ये सोडियम क्लोराइड जो है वो एक हार्ड है, सॉलिड स्टेट में होने वाला रहने वाला एक कंपाउंड है, ये बोल सकते हैं। रीजन क्या है, केटाइन एनाइन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। इसके बाद आता है दे आर ब्रिटल इन नेचर, ये ब्रिटलनेस भी शो करता है। अब ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है बिखर जाने वाली टेंडेंसी, टूट जाने वाली टेंडेंसी, या यूं बोल दूं मैं इजीली जो ब्रेक हो जाए आउटर फोर्स अप्लाई करने के बाद। आउटर फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है वो बिखर जाए तो उसको बोला जाता है ब्रिटलनेस। अब ऐसा क्यों होता है कि ब्रिटल नेचर क्यों होते हैं, जरा सुन, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है इनका। कोई एक फॉर्म मतलब जैसे एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एक मॉलिक्यूल नहीं है,
जैसे इसमें होता है कि क्रिस्टल होता है, वन मोल आयनिक क्रिस्टल, जिसमें कई सारे कैटायन और कई सारे एनायन। जैसे हम बोलते हैं ना NaCl, तो केवल एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन नहीं है, एक सोडियम और एक क्लोराइड नहीं है, कई सारे सोडियम आयन और कई सारे क्लोराइड आयन है। वो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं उसका NaCl। अगर आप सॉलिड स्टेट एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो आपको पता चलेगा कि जो NaCl का क्रिस्टल होता है ना, उसमें एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड सराउंड करके रखते हैं और एक क्लोराइड को 6 सोडियम आयन सराउंड करके रखते हैं। यानी कि एक सोडियम से 6 क्लोराइड और एक क्लोराइड से 6 सोडियम, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है। मीनिंग इतना सा है कि जब हम बोलते हैं ना NaCl, तो वो एक सोडियम और एक क्लोरीन नहीं है, कई सारे सोडियम आयन और कई सारे क्लोराइड आयन है। तो ये आयनिक क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। जैसे ये लिया मैंने, कोई भी कंपाउंड है, एक कैटायन होगा, फिर एक एनायन होगा, फिर एक कैटायन है, फिर एक एनायन है, इस तरह से कई सारी लेयर होगी, ये एनायन और ये कैटायन, फिर ये एनायन और ये कैटायन, इस तरह से एनायन कैटायन आपस में जुड़े हुए होंगे कई सारी लेयर। अब आप देख रहे होंगे इस फर्स्ट लेयर में सबसे पहला जो मैंने बनाया वो कैटायन और सेकंड लेयर में सबसे पहले जो बनाया वो एनायन। क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लेयर का पहला जो मैंने आयन लिया वो कैटायन और सेकंड लेयर का फर्स्ट जो लिया वो एनायन है, ताकि वो अट्रैक्शन बना रहेगा ना, तभी तो जुड़ा है। अब आप उस पर करते हैं आउटर फोर्स अप्लाई, हैमरिंग करते हैं, तो ये लेयर आपस में एक दूसरे पर स्लिप हो जाती है। अब जरा सोचो, अगर मैं इस एक लेयर को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं, जैसे ही आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, कुछ ऐसी ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनने लगेगी। एक लेयर को मैं आगे कर देता हूं, तो ये मैं स्टार्ट करता हूं इस जगह से, ये कैटायन, फिर ये एनायन, फिर ये कैटायन और फिर ये एनायन, और ये एनायन अपनी जगह पर था, ये कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन। फिर आप ये देख रहे होंगे कि ये एक कैटायन कैटायन पास में आगे, एनायन एनायन पास में आगे, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, और रिपेल करते ही बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और इसी को बोल देंगे हम कि ये तो ब्रिटल है, ये तो बिखर गया, ये तो ब्रेक हो गया। इसलिए ये इनको कहा जाता है कि इनमें ब्रिटलनेस प्रेजेंट होती है। तो ये आयनिक कंपाउंड कैसे हैं, ब्रिटल नेचर के हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये रीजन है ब्रिटलनेस का, कि वो लेयर आउटर फोर्स अप्लाई करने के बाद लेयर स्लिप होती है, कैटायन के बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन से वो टूट जाते हैं। नहीं, ब्रिटल का मतलब चमकना नहीं होता है, ब्रिटल का मतलब तो बिखर जाना होता है, चमकने का मतलब तो लस्ट्रस सरफेस होती है। चलिए इसके बाद देखना जरा, ये दो प्रॉपर्टीज हुई। तीसरी प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इनका जो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। स्वप्निल पूछ रहा है सर, जब ये हार्ड होते हैं तो ब्रिटल कैसे होंगे? तो फिर मैंने ये क्या बताया कि इतनी सारी रामायण मैंने क्या करी कि ये दो लेयर थी, आउटर फोर्स अप्लाई करके एक लेयर स्लिप हुई, एनायन और एनायन सामने आए, कैटायन और कैटायन सामने आए, तो वो रिपल्शन हुआ, वो बिखर गया, ये क्या था, फिर क्या बता रहा था इतनी देर से? चलिए यहाँ है रिपल्शन डिफरेंट, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। हाई होने का रीजन होता है कि इनके जो है वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की कंडक्टिविटी से संबंध जा रहा है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, क्या बोला मैंने, आयनिक कंपाउंड्स, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन ये कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में शो नहीं करते। जैसे मैंने लिया NaCl, ये Na और Cl जो है, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, या यूं बोल दूं मैं, मूवमेंट नहीं। आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट है, मतलब आयंस के बीच मूवमेंट नहीं, और आयंस के बीच मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। कंडक्टिविटी तभी शो करेगा कोई भी कंपाउंड जब उनके मूवमेंट हो, कैटायन एनायन अलग हो, कैटायन कैथोड पर और एनायन एनोड पर मूव कर सके, ये इलेक्ट्रोड पर मूव कर सके, तो हम बोलेंगे ये कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। अभी तो स्ट्रॉन्गली बाइंड है, सॉलिड स्टेट है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं, तो कंडक्टिविटी भी नहीं है। तो ये कंडक्टिविटी शो तो करते हैं आयनिक कंपाउंड, लेकिन सॉलिड स्टेट में शो नहीं करते हैं। लेकिन जब ये मेल्ट फ्यूज स्टेट होती है,
कौन सी स्टेट, फ्यूज, जिसमें एक वर्ड आया फ्यूज्ड और एक वर्ड है एक्वस, दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान रखना, फ्यूज्ड स्टेट और फ्यूज्ड, और मैं बोल दूं उसको मेल्ट फॉर्म, ये दोनों एक ही बात होती है, फ्यूज्ड सॉरी मेल्ट, मेल्ट फॉर्म, फ्यूज्ड और मेल्ट या मोल्टन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, मतलब लिक्विड में है, मेल्ट हो गया है लेकिन वाटर नहीं डाला है, एक्वस कुछ अलग होता है, मतलब फ्यूज्ड का मतलब इतना सा है, एक आयनी कंपाउंड आपने लिया, उसको आपने हीट किया, इतना टेम्परेचर दे दिया कि वो पिघल गया, है ना, वो पिघल गया, उसके लिए उसको कहा जाता है मेल्ट या मोल्टन फॉर्म, ठीक है ना, और एक आयनी कंपाउंड लिया और आपने उसमें पानी डाल दिया तो वो बोले जाएगी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म, ध्यान रखना फ्यूज्ड और एक्वस अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फ्यूज स्टेट में भी वो कंडक्टिविटी शो करता है और एक्वस सॉल्यूशन में भी कंडक्टिविटी शो करता है, यानी कि अगर आपसे मैं बोलूं सीधा सीधा, जैसे ये आपको ये सब पूछा, इस तरह से पूछा जाता है सिंपल सा, कि आपने ये ले लिया NaCl सॉलिड, NaCl मोल्टन, NaCl एक्वस, इस तरह से तीन आपको दे दिए NaCl, आपसे पूछा जाए बताना जरा इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन, इसको नंबरिंग कर देते हैं, कौन सा कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, 1 2 3 में से कौन कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, फर्स्ट, इन तीनों में से कौन कंडक्टिविटी शो करेगा, कंडक्टिविटी कौन शो करेगा, तो 2 3 बस हो गया, यानी कि अब सिंपल वापस सुन लो, आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं क्योंकि वो आयंस बिल्कुल भी स्ट्रांगली बाइंड है, और NaCl अगर यस आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में तो कंडक्टिविटी शो करेगा, और अगर आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में तो और भी ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि जब एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है तो आयंस पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, ये हो गया, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड जो है वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, आयनिक कंपाउंड जो है वो बहुत आसानी से, आयनिक कंपाउंड जो है उनमें आयंस हैं और जिनमें आयंस बन जाते हैं वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, आपने सॉल्युबिलिटी की एक बात सुनी होगी, पढ़ी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, यस वेरी गुड, गौरव ने पहले लिख दिया, मैट से बोलने से पहले लिख दिया, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जैसा सॉल्यूट होगा वैसा सॉल्वेंट होगा, तो आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वॉटर, ये वॉटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, आयनिक कंपाउंड है वॉटर में ज्यादा सॉल्युबल है, खाली इतना भी याद रखें, कैसे इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, एक सॉल्युबिलिटी को लेकर एक बड़ा टॉपिक है हमारा, सॉल्युबिलिटी का एक अपने आप में एक टॉपिक है जो हम अभी पोलराइजेशन के बाद पढ़ेंगे और उसमें कुछ ऑर्डर्स बनाएंगे, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पढ़ते समय, और बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से हम सारे ऑर्डर बना लेंगे जो हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, फिलहाल सॉल्युबिलिटी के बारे में जो यहाँ लिखा है बस इतना याद रखना कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन आयनिक कंपाउंड किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल है, जैसे बेंजीन में, CCl4 में, इनमें कम सॉल्युबल होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, आयनिक कंपाउंड्स आर लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बस ये याद रखो, बहुत सुंदर क्या बोला मैंने, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, आयनिक कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन है, CCl4 है, इनमें लेस आपसे पूछा जाएगा आयनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, स्टेटमेंट टू और फॉल्स, क्या पूछा मैंने, आयनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, ये स्टेटमेंट टू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आयनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, अब पहले तो सुनो कि क्यों शो नहीं करते हैं आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म, आइसोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर बने, डिफरेंट स्ट्रक्चर बननी चाहिए तब हम बोलेंगे कि वो एक दूसरे के आइसोमर है या आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो,
और स्ट्रक्चर डिफरेंट तब बनती है जब कोई ना कोई एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल बनता है। जैसे मैं एक कोवेलेंट कंपाउंड लूं, कोवेलेंट कंपाउंड लिया मैंने, स्क्वायर प्लेनर, जैसे मैंने ले लिया ये कोई एक्स एलिमेंट सेंट्रल एटम और उसको मैं बनाता हूं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ऐसे बनेगा, चार बॉन्ड ऐसे बनेंगे। अब देखना जरा, आप बता सकते हैं, मैंने यहां पर मैं तो वो जो टर्मिनल एटम जोड़ देता हूं, यहां मैंने एक ए एटम जोड़ रखा है और यहां पर भी मैंने जोड़ दिया ए एटम और यहां जोड़ दिया मैंने बी एटम और यहां बी एटम। ये कोई मैंने एक आयनिक कंपाउंड लिया जिसमें एक्स तो सेंट्रल एटम हो गया लेकिन दो ए उससे बॉन्डेड है और दो बी बॉन्डेड है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये दोनों जो ए हैं इनके बीच में एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री, स्क्वायर है ना, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि यहां पर अभी दोनों एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रखता हूं लेकिन इसकी मैं स्ट्रक्चर डिफरेंट कर देता हूं। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा सही, पहले ए और ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, मैंने सामने कर दिया, अब तो बी और बी यहां पर आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछू, बताना जरा ए और इस ए के बीच में अब कितना डिग्री का एंगल है? आपको पता चलेगा कि 180 डिग्री एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपने सिस फॉर्म बना दी एक ट्रांस, अब सिस और ट्रांस में नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं सिस और ट्रांस नहीं बोलूंगा। मैं तो यू बोलूंगा कि एक बार दोनों ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, एक बार दोनों ए के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेम मैंने एलिमेंट लिए, वहां भी दो ए थे यहाँ भी दो है, वहां भी दो बी थे यहाँ भी दो बी है, फिर भी इनकी जो स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रही है इसको कहा जाता है आइसोमेरिज। तो आइसोमेरिज में कब शो करता है कंपाउंड? जब वो कोवेलेंट हो, कोवेलेंट कंपाउंड हो, या यूं बोल दूं मैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से बॉन्ड बनना चाहिए। पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब बॉन्ड बनेगा फिर आप उनके उन एटम को इंटरचेंज करेंगे तो बोलेंगे स्ट्रक्चर डिफरेंट बन गई। मीनिंग ये हुआ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है जबकि कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्या बोला मैंने? आयोनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। चलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड क्यों बोल रहे सुनना जरा। आप NaCl की बात करूं मैं, सोडियम आयन आपने लिया, मुझे बताना जरा ये सोडियम आयन इस पर ही कर, सोडियम आयन जो है उस पर चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है? ये सोडियम आयन ले लिया स्फेरिकल, ठीक है ना। अब बताना जरा वो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव कैटायन बोला तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर है इसके? वो ऊपर की साइड है उसके या नीचे बनाएंगे बॉटम में या लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब कहां है वो पॉजिटिव चार्ज? आप कुछ बोल रहे हैं सर वो लेफ्ट साइड होता है, कोई कह रहे थे जहां अच्छा हो मैं लगा दू, नहीं हाँ बाकी सब सही भी बोल रहे, कहीं ना सर कहीं सबसे सही आंसर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी सरफेस पर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो जो कैटायन आपने लिया है ना, वो जो कैटायन है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताना क्लोरीन लिया मैंने, क्लोरीन आयन सीएल नेगेटिव आयन, इस पर भी क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज सब जगह पूरी सरफेस पर है, कैटायन पर भी पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पर भी यूनिफॉर्मली पूरी सरफेस पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताना कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होना है, तो ये कैटायन और एनायन के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, क्या वो एनायन जब एक्स एक्सिस से आएगा तभी अट्रैक्ट होगा या यूं बोलूं वाई एक्सिस से आएगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा? क्या ऐसा बोलूंगा क्या कि एनायन एक्स एक्सिस से आ रहा है तो अट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन वाई से आएगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब ये है कि इस सोडियम आयन के साथ क्लोराइड को अट्रैक्ट होना है ना, तो वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड के बनने की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आयनिक बॉन्ड के बनने, आयनिक बॉन्ड को लाइन तो बनती नहीं, ओवरलैपिंग तो होती नहीं है, ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग इसी एक्सिस पर आना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं। यानी कि आयनिक बॉन्ड बनना है किस कैटायन और एनायन के बीच का अट्रैक्शन है, कैटायन पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, एनायन पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, कैटायन और एनायन कहीं से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड के बनने की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और जिस बॉन्ड के बनने की डायरेक्शन फिक्स नहीं है उसी बॉन्ड को कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। इसलिए हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड की, किसकी बात करूं? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे BF3 बनाना है, क्या बनाना है मुझे कोवेलेंट बॉन्ड में BF3,
हो गया। अब BF3 में बोरोन है, बोरोन के पास तीन ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया, एक ऑर्बिटल यहां पर है, एक ऑर्बिटल यहां पर है, एक ऑर्बिटल यहां है, तीन ऑर्बिटल में ऐसे बना दूं इसको, पेन ले लेता हूं कि मुझे बोरोन के तीन बॉन्ड सारे पेन ले गए, ये मुझे BF3 बनाना था, BF3 बनाना है, ऐसी बनेगी स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर बोरोन है, ये बोरोन का एक ऑर्बिटल, बोरोन का एक ऑर्बिटल और ये बोरोन का एक ऑर्बिटल, ये बोरोन के तीन ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन को आना, ये फ्लोरीन आएगा। अब मुझे बताना जरा, इस फ्लोरीन को इस BF3 में बोरोन के साथ ओवरलैपिंग करनी है, तो क्या ये फ्लोरीन कहीं से भी आ सकता है, यहां से आ जाए, इधर से आ जाए, पीछे से आ जाए, इधर से आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? जैसे अभी आप सोडियम के साथ क्लोरीन लगा रहे थे, अभी बोला क्लोरीन कहीं से आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, अगर आपको BF3 बनाना है ना, तो ये फ्लोरीन को पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन से आना पड़ेगा, ये ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, एक क्लोरीन यहां से आएगा, एक क्लोरीन यहां, यानी कि यहां तो एक डायरेक्शन फिक्स हो गई बॉन्ड के बनने की, डायरेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय बॉन्ड के बनने की डायरेक्शन फिक्स है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कहीं भी लगा दो, ऑर्बिटल तो यहां है, आप तो फ्लोरीन यहां लगा दो, इधर लगा दो, थोड़ा सा इधर कर दो, 90 डिग्री पे कर दो, 72 डिग्री पे कर दो, 75 पे कर दो, मर्जी आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ये फ्लोरीन तो आपको यहीं लाना पड़ेगा जहां पहले से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। हरी वासन में इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिक में शो करते हैं और आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिक में शो नहीं करते हैं, तो आइसोमेरिक में शो नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये तो कोवेलेंट कंपाउंड थे जो शो कर रहे थे, लेकिन आयनिक कंपाउंड एक दूसरी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको बोला जाता है आइसोमोर्फिज्म। आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्या शो करते हैं? आइसोमोर्फिज्म शो करते हैं। अब ये आइसोमोर्फिज्म क्या है? आइसोमोर्फिज्म का मतलब होता है, पहले तो आइसोमेरिज्म सुनना, आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म होती है कंपाउंड एक ही है, मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही है, दो तरह की स्ट्रक्चर, टू टाइप की स्ट्रक्चर, जैसे ही बना रखा था मैंने, डबल ए और बी और बनाया, यानी कि वापस कंपाउंड एक ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, लेकिन दो तरह की स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है आइसोमेरिक। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो क्या हो गया? आइसोमेरिक। और आइसोमोर्फिज्म में क्या होती है? दो अलग अलग कंपाउंड है और सेम स्ट्रक्चर, टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है आइसोमोर्फिज्म। कंपाउंड अलग अलग है, दो अलग अलग आयनिक कंपाउंड है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी बन रही है, ठीक है ना? इसको कहा जाता है आइसोमोर्फिज्म, ठीक है ना? अब आइसोमोर्फिज्म कैसे पहचानेंगे, कौन से दो कंपाउंड है जो एक जैसी स्ट्रक्चर शो कर रहे होंगे, जो कि स्ट्रक्चर को हम देख नहीं पाएंगे उनकी, तो उसकी कुछ कंडीशन है जिससे आप ये बता सकते हैं। जिन लिखा है भगवान एक है और रूप अलग अलग है, बस यही आइसोमोर्फिज्म है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। एक एग्जांपल एलम आ रहा है मेरे सामने, बिल्कुल एलम आपने पढ़ा है, हम आइसोमोर्फिज्म पर आ जाते हैं। पहले तो ये जो बीच बीच में एन एस इसको हटाओ, मैंने बोला आइसोमोर्फिज्म का मीनिंग होता है दो अलग अलग कंपाउंड है लेकिन सेम स्ट्रक्चर बनने, फिर ये कैसे पहचान लेंगे कि सेम स्ट्रक्चर आ रही है? तो इसकी एक जो है कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आप कब बोलेंगे दो कंपाउंड आपस में आइसोमोर्फस हैं? तो दो कंडीशन है, दो अलग अलग तरीके से देखा जाता है। एक तो ये है कि उनमें नंबर ऑफ आयंस सेम होने चाहिए, सिमिलर की जगह सेम लिखो, सेम नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस सेम होने के बाद उनका जो केटाइन है उनका कॉन्फिगरेशन सेम हो, और उनका जो एनायन है उनका कॉन्फिगरेशन सेम, ठीक है ना? अब मैंने क्या बोला कि दो कंपाउंड है, उनमें आयंस के नंबर सेम है, आयंस के नंबर सेम, और उन दोनों के जो केटाइन है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम आए, उन दोनों के जो एनायन है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम आए,
अब और एक और कंडीशन है जिसको मैं भी बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसका एग्जांपल देखना। आपने एक कंपाउंड लिया NaF और एक कंपाउंड लिया MgO, ठीक है ना। बताना जरा NaF में कितने आयन है टोटल, टोटल नंबर ऑफ आयन दो है, एक केटायन और एक कैटायन। MgO में बताना जरा आयन कितने, टोटल आयन उसमें भी दो ही है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्साइड है, तो नंबर ऑफ आयन है। चलिए आपसे पूछता हूं, मुझे एक कंपाउंड लिया मैंने KCl और एक कंपाउंड लिया मैंने CaCl, क्या इन दोनों कंपाउंड में भी नंबर वाइज सेम है? एक कंपाउंड है KCl और एक कंपाउंड है CaCl2। KCl में सिर्फ दो आयन है जबकि CaCl2 में तीन आयन है, एक कैल्शियम और दो क्लोरीन, इसलिए इनमें नंबर वाइज सेम नहीं है। और जब नंबर वाइज सेम ना हो ना तो आइसोमोर्फस नहीं हो सकता एक दूसरे के, यानी कि पहले कंडीशन क्या थी कि आयंस के नंबर सेम होने चाहिए, तो आयंस के नंबर सेम। फिर दूसरी कंडीशन इसी में, आयंस के नंबर तो सेम हो लेकिन जो इसका केटायन है और जो इसका केटायन है इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम आना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद इसका जो एनायन है और इस वाले का जो एनायन है इनमें भी इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम आए, यानी कि सेम कॉन्फिगरेशन बने, तो हम बोलेंगे वो एक दूसरे के आइसोमोर्फस है। तो अब यहाँ पर से सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम बोले, हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि NaF एंड MgO आर आइसोमोर्फस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमोर्फस है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखना, जैसे एक कंपाउंड लिया मैंने CaCl2 और एक कंपाउंड लिया K2S। पहले तो ये बताओ जरा मुझे, क्या इन दोनों में नंबर ऑफ आइंस सेम है? आयंस का नंबर नहीं है ना, है सेम है, तीनों दोनों में ही तीन तीन आयन है, एक में कैल्शियम एक है दो क्लोराइड, टोटल आयन तीन, दो में उसमें पोटेशियम दो है और एक सल्फाइड है, यानी कि वहां पर भी तीन, यानी कि आयंस के नंबर तो सेम है। अब आयंस के नंबर तो सेम है लेकिन इसका जो केटायन है और इसका जो केटायन है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम आना चाहिए, आ रहा है। इसका जो एनायन है और इसका जो एनायन है इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम आना चाहिए, आ रहा है ना, इसका मतलब जो है वो आइसोमोर्फस है। चलिए एक और कंडीशन थी इसकी, सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन बॉर्डर। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, एलम, जो एलम आप बात कर रहे थे वो इसका एग्जांपल। अब इसका मीनिंग क्या है जरा समझना, ये सेकंड लाइन का मीनिंग क्या है कि जब दो आयनी कंपाउंड हो उनका जनरल फॉर्मूला तो सेम हो जाए और उनके साथ जो डॉट करके बॉर्डर लिखा जाता है डॉट H2O उसके नंबर भी सेम, तो उसको कहा जाता है कि वो आइसोमोर्फस है एक दूसरे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमोर्फस with other, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमोर्फस विद अदर। ऑप्शन है एप्सम सॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्लू विट्रियोल, मैं लिखता हूं अच्छा, सेकंड ऑप्शन है ब्लू विट्रियोल, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन विट्रियोल, फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट विट्रियोल। पहले ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूला सेम और सेम नंबर में क्रिस्टलाइन वॉटर आ जाए तो भी आइसोमोर्फस कहलाएंगे। ये चार कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन चारों कंपाउंड में से आपको ये बताना है कि इनमें तीन तो आइसोमोर्फस है लेकिन एक कोई अलग है इनमें से, इनमें से कोई एक अलग है तो वो अलग वाला ही आपको बताना है। कौन सा आंसर हो जाएगा? मैक्सिमम का आंसर फर्स्ट आ रहा है, एप्सम सॉल्ट। चलिए अब मैं इनका फॉर्मल लिख देता हूं पहले। हाँ, कुछ का ब्लू विट्रियोल है, कुछ का ब्लू विट्रियोल भी है, कुछ कह रहे थे फॉर्मूला नहीं पता हम क्या बताएं।
और जिनका आंसर ब्लू विक्ट्रियो लेना बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका, वेरी गुड। चलिए अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2। ब्लू विक्ट्रियो का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ग्रीन विक्ट्रियो का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। व्हाइट विक्ट्रियो का फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2O। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें से एक में जो डॉट करके वाटर लिखा गया ना उसका नंबर अलग है, आंसर वही हो जाएगा ब्लू विक्ट्रियो। हाँ, जिसका भी ब्लू विक्ट्रियो था मैंने बोला ना कि उनका आंसर सही था, ठीक है ना। तो इस तरह से जनरल फॉर्मूला सेम हो और सेम नंबर में क्रिस्टलाइन वाटर हो तो भी हम बोलेंगे कि वो एक दूसरे के आइसोमोर्फस है। फॉर्मूला नहीं पता था इसलिए लिखा मैंने, फॉर्मूला याद करना सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सारे के सारे। और जब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, तब ये वापस से जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट एक होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है जरा, जब कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन तो जो केटाइन होता है और जो एनायन है, इस केटाइन और इस एनायन के अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी, है ना। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, केटाइन और एनायन के अट्रैक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी। या ये बोल दो केटाइन और एनायन में मिलकर के जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एनर्जी रिलीज कर रहे थे उसी एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी, या उतने जिस एनर्जी से वो बाइंड है वो लैटिस एनर्जी है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं बोलूं मैं कि केटाइन और एनायन ने मिलकर के जब केटाइन एनायन मिल रहे थे तो उनकी उनके अट्रैक्शन से 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो अब मुझे बताना जरा इस केटाइन और एनायन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 100 किलो जूल। इसका मतलब अट्रैक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी उसको आप लैटिस एनर्जी बोल दें, या फिर बॉन्ड को ब्रेक केटाइन और एनायन को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोल दें, यानी कि ये एक टाइप की बॉन्ड एनर्जी या ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। बस ये आपका आयनिक कंपाउंड इसका नेम थोड़ा चेंज हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो लैटिस एनर्जी कुछ नहीं है, अब डेफिनेशन देखना जरा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज When gases cation and gases anion are combined to form one mole ionic crystal, solid state, one mole ionic compound is called lattice energy, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा न्यू बोल दूं, मैंने लिया है gaseous cation plus gaseous anion मिलकर के जब वन मोल आयोनिक क्रिस्टल, इसको वन मोल के लिए डिफाइन करते हैं, आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इनकी इनसे इस अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उस रिलीज होने वाली एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये मेन क्वेश्चन कैटाइन वन मोल गैसेस कैटाइन वन मोल गैसेस एनायन भी करते हैं, जब वन मोल गैस आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो है लैटिस एनर्जी। अच्छा, रिलीज किस वजह से हुई पता है, केटाइन और एनायन के अट्रैक्शन की वजह से रिलीज होता है। इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, इसको कैसे रिवर्स कर सकता हूं, ऐसे वन मोल आयोनिक क्रिस्टल, वन मोल आयोनिक क्रिस्टल को मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूं बॉन्ड को ब्रेक करके, वापस से गैसेस केटाइन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट कर रहा हूं, और इस कन्वर्जन में इस बॉन्ड को ब्रेक करने में डिसोसिएट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तब भी उसी को लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है रिलीज तो भी उसी को क्या बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। यानी कि बॉन्ड बनते समय रिलीज हुई तो बॉन्ड बन रहा है फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का तो रिलीज होने वाली एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी, लेकिन नेम दोनों का वही रहेगा लैटिस एनर्जी। तो वो तो आप किस तरह से उसको बोला जा रहा है कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
अब लैटिस एनर्जी जो है वो कौन से फैक्टर पर अफेक्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दो, एक तो है चार्ज और दूसरा है साइज। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप सब इतना याद रखें कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के साथ केटाइन का या एनाइन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज केटाइन या एनाइन, ये ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपका रिलेशन जो आगे हमारे काम आने वाला है, और इसमें भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो चार्ज, डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज, यानी कि पहले चार्ज देखेंगे और बाद में चार्ज अगर सेम होगा तो फिर क्या देख लेंगे, साइज देख लेंगे ऑर्डर बनाते समय। जैसे मैं यहां एक ऑर्डर बनाता हूं, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाता हूं, Na2O MgO Al2O3 सोडियम, मैंने पहले तो केटाइन पर चार्ज और सोडियम पर Na प्लस वन और ऑक्सीजन पर माइनस टू चार्ज, यहाँ Mg पर चार्ज है प्लस टू और O पर चार्ज है माइनस टू, यहाँ एल्यूमिनियम पर चार्ज है प्लस थ्री और पर चार्ज है माइनस टू। बताना जरा Na Mg और एल्यूमिनियम में चार्ज, पहले चार्ज देखना, चार्ज बढ़ रहा है कि सेम है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि सेम है, बस ये बताओ मुझे। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में चार्ज इंक्रीज है या सेम, अगर चार्ज सेम होगा तो साइज देख लेते, चार्ज इंक्रीज तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज, ठीक है ना। चलिए यहां बताना जरा, एल्यूमिनियम पर चार्ज प्लस थ्री, एफ पर चार्ज माइनस वन, एल्यूमिनियम पर चार्ज प्लस थ्री, ओ पर चार्ज माइनस टू, एल्यूमिनियम पर चार्ज प्लस थ्री और एन पर चार्ज माइनस थ्री। अब बताना जरा चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि सेम हो रहा है, चार्ज कहां सेम है, चार्ज इंक्रीज है। अब एनएन का चार्ज इंक्रीज है तो यहां ये तो बोला केटाइन का चार्ज हो चाहे एनएन का चार्ज हो, किसी का भी चार्ज इंक्रीज हो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अब देखो जरा यहां पर, अब एनएन का चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो यहां पहले वाली जो पहला जो ऑर्डर बनाया है यहां मैं लिख सकता हूं केटाइन चार्ज इंक्रीज लैटिस एनर्जी इंक्रीज, दूसरे वाले के लिए लिख सकता हूं एनाइन चार्ज इंक्रीज लैटिस एनर्जी इंक्रीज। तो केटाइन का चार्ज इंक्रीज हो चाहे एनएन का चार्ज इंक्रीज हो लैटिस एनर्जी इंक्रीज ही होगी, ठीक है ना। चलिए यहां देखते हैं, यहां पर जो केटाइन है वो एल आई प्लस और एन आई सी एल माइनस, एन ए प्लस सी एल माइनस, के प्लस सी एल माइनस, आर बी प्लस सी एल माइनस, सी एस प्लस आयंस बना दिए मैंने। अब मुझे वो बताना जरा यार, केटाइन पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है या सेम है, केटाइन का चार्ज बस सेम। चलिए केटाइन का चार्ज सेम आ रहा है तो एनएन का चार्ज देख लो, एनएन पर जो चार्ज है वो सेम है या डिफरेंट है, डिक्रीज इंक्रीज सेम, यानी कि यहाँ पर जो कंपाउंड लिए है थर्ड वाले ऑप्शन में उसमें चार्ज चाहे केटाइन का हो चाहे एनएन का हो सेम आ रहा है। अब जब चार्ज सेम आ गया तो क्या देखें हम, साइज। मैंने पहले बोला डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज होगा मतलब साइज देखिए, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, साइज बढ़ती जाएगी तो लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइज इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, लिथियम से लेकर के ऑक्सीजन तक जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रही है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। यानी कि चार्ज देख लो पहले, फिर चार्ज से मजा तो साइज देख लो, बस सिंपल था, उसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक बार पूछता हूं, फोर्थ यहां लिख देता हूं, NaF और MgO, सोडियम पोटेशियम बना दिया ना, सारे बना दिए सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम स्वप्निल जी सारे बना दिए। ये बताओ जरा जो मैंने पूछा NaF और MgO में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, जिस पर चार्ज ज्यादा है बस हो गया, सिंपल सा है। तो लैटिस एनर्जी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि केटाइन एनायन के अट्रैक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी लैटिस एनर्जी, या केटाइन एनायन अगर पहले से बाइंड है उसको ब्रेक करना है तो भी जो एब्सॉर्ब होगी वो लैटिस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद जब ऑर्डर बनाने के लिए कहा जाए तो ऑर्डर कैसे बनाएंगे, तो ऑर्डर आप बनाएंगे पहले चार्ज देखेंगे फिर साइज देखेंगे। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका चार्ज, केटाइन का कि एनायन का, किसी का भी, ठीक है ना, केटाइन का चाहे एनायन का चार्ज किसी का भी हो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी चार्ज बढ़ने से, ऐसे ही साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे वाला जो है वो
कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, आज यहाँ तक। थैंक्स वेरी, कल तो क्लास शायद नहीं है अपनी, जो भी आएगी, जब भी क्लास आएगी लेक्चर शेड्यूल के अकॉर्डिंग तब। लिबरेट का मतलब रिलीज होना वाला होता है बेटा, लिबरेट का मतलब होता है रिलीज होना। तो ये लेटिस एनर्जी की जो ऑर्डर है इनको बनाओ, आप अपनी मर्जी से मत बनाओ ऑर्डर, ठीक है ना। हाँ, भुवन अपनी मर्जी से नहीं बनता है ऑर्डर, और अपनी मर्जी से बना लिया तो मैं बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई हिंट तो होना चाहिए, कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए ना जिसके बेसिस में ऑर्डर आंसर दे सके, फिर तो वेरी बेस्ट है। अगर आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं चार्ज का साइज का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तो फिर वेरी बेस्ट ऑर्डर। चलिए आज बंद करते हैं, यहाँ पर क्लास को ऑफ करते हैं।